नमस्कार, मैं हूं विशाल जसरोटी और आप देख रहे हैं जेके दर्पण। शुरुआत करते हैं आज के समाचारों के साथ। आज देश में कोरोना संक्रमण के 11,458 मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,08,993 तक पहुंच गई है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण के कारण 386 लोगों की मौत हुई है, जबकि मरने वालों का कुल आंकड़ा 8,884 तक पहुंच गया है। देश में आज 7,135 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना संक्रमण के 148 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें जम्मू से 38 जबकि कश्मीर से 110 मामले बताए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आज 183 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण के कारण कश्मीर में 2 मौत होने का भी समाचार है। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,878 तक पहुँच गई है, जबकि मरने वालों का कुल आंकड़ा 55 तक पहुँच गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी को मार गिराया है। ढेर किए गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे, जो कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का काम करते थे। सेना ने इन दोनों आतंकियों को ढेर कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। सांबा के सुम ब्लॉक के टाकी पलोना व ब्लेतर के स्थानीय लोगों ने उनके गांव में सड़क मार्ग का निर्माण न करने के विरोध में प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनीतिक प्रतिनिधियों व जिला प्रशासन को अवगत करवाने के बावजूद पिछले लंबे समय से उनके गांव को सड़क संपर्क से नहीं जोड़ा गया है, जिसको लेकर उनमें खासा रोष है। कार्रवाई कोई नहीं हुई, इन्हें आज सुनने कहते कहते जले डीसी कोर्ट जन्ने तो आधे लोग है कोई किलोमीटर वो पौनी हरे करूंगा किलोमीटर ते लोक बनाने को बजाए जड़ा खड्डे जे रस्ते ने जड़े उन्हें पहले सीधा सुधा किया जा फिर लोग पवे ठीक है। ट्रैक्टर बगैरा जंदे कोई गड्डी का साधन नहीं, मैटाडोर साढ़ा कोई नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब आज दिन तक जदूंगा लेइया बाकी लोग साढ़े हा बाद कम लगे सड़कें वो सड़कें उन्हें लुक पेजे रोड पक्के हो गए साढ़े आज दिन तक जी उइयां गै जियां अर्थ वर्क होए दा उस हिसाब कन्नै गै रेहा। आए एक दिन मैह्कमे आए आए पता नहीं BWW आए जां केह्ड़े ही उन्हें आनी छड़े मिनी दी सड़क दिक्खी ते नंबर लाई दे बाद विच इत्थे कोई बंदा नहीं आया ना कुसै ने कोई काम कराया गल नहीं बाद नहीं। सांबा नगर पालिका के विभिन्न वार्डों के पार्षदों का शिष्टमंडल अपने वार्डों में विकास कार्य को शुरू करवाने की मांग को लेकर PWD विभाग के अधिकारियों से मिला। पार्षदों ने इस दौरान प्रदेश प्रशासन से आग्रह किया है कि सांबा के लंबित पड़े विकास कार्य के लिए उचित धनराशि मुहैया करवाकर विकास कार्य शुरू करवाया जाए। सांबा में PWD डिपार्टमेंट में WA साहब से मिलने आए थे हम। सांबा की जो भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, जिन एरियाज़ की ब्लैक टॉपिंग है, जगह जगह पर सांबा में खड्डे पड़े हुए हैं, जो भी डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं, उनके लिए सर से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने भी आए थे और अपने एरिया की सर को इन्फॉर्मेशन देने भी आए थे। तो हमारी भटनागर साहब एडवाइज़र जो हैं PWD डिपार्टमेंट के, उनके आगे ये अपील है कि प्लीज़ आप हमारे एरियाज़ को देखें। अगर हमें हमारे एरियाज़ को डेवलप ही नहीं कर पाए हम, तो फिर हम जीतकर जो आगे आए हैं हम उन्हें कैसे लोगों को जवाब देंगे। तो प्लीज़ हमारी जवाबदेही तो बनती ही है, लेकिन अगर हमारी यही 7 वार्ड मेंबर्स की अपील है, पूरे सांबा की अपील है कि सांबा वासियों को आप ज़रा उन पर भी नज़र दौड़ाएं अपनी और सांबा के एरिया को भी आके देखें कि यहाँ पर क्या डेवलपमेंट किस हद तक हुई है और कहाँ तक अभी तक डेवलपमेंट रुकी पड़ी है। ये थे आज के समाचार, कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।